देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, आज ये मैं क्रॉकरी का सामान लेके बैठी हूँ। ये हमने रात मंगवाया, ये भी शुक्र है कि इतनी सर्दी में मुझे नहीं जाना पड़ा और मुझे जो है ये घर पे ही मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें जी, मेरा सिलवट्टा जो है पिछले दिनों टूट गया था, ये मैंने मंगवाया। साथ में मैंने ये लकड़ी की भी मंगवा ली। ये देखें जी, इसके बाद जी ये चंगेरे, ये दो रेड कलर में और ये दो, ये जी टोकरियाँ। ये जी हमारे पास जो है 150 की सेल लगी होती है। ये टोकरियाँ जो हैं ये तीन होती हैं, एक में तीन, ये 150 की। और ये चंगेरें जो होती हैं ये भी 150 की दो, ये चार चंगेरें। ये सील, ये जो है ये भी लकड़ी की है, पिछले दिन आई थी पत्थर की, लेकिन वो पहली दफ़ा में के इस्तेमाल से ही टूट गई। जब शॉपकीपर को बताया ना कि ये आपकी पत्थर की भी टूट गई, तो कहते पहली दफ़ा सुना है कि पत्थर की भी टूटी, खैर हमसे टूट गई। उसके बाद जी ये डब्बे, ये मेरे डब्बे जहाँ भी जाती हैं, जिसके पास भी जाती हैं, दोबारा नहीं आते। फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है कि किसी के घर कोई भी चीज़ भेजनी हो तो वो दोबारा कहाँ से आए। तो ये मैंने डब्बे भी मंगवाए, ये भी तीन है। ये देखें जी, ये भी 150 का, ये 150 के दो, ये सॉरी तीन। ये देखें जी, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ये तीन है। उसके बाद जी ये भी तीन ही हैं, ये हल्के कलर में है। उसके बाद जी ये प्यालियाँ ये हैं, ये बच्चों के लिए ली मैंने कि इनको सूप वगैरह डाल के दिया करूँगी। ये छः प्यालियाँ, ये हमारे पास 150 की सेल में बआसानी हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या प्राइजेस हैं इनकी और कैसे अवेलेबल होती हैं। ये देखें जी, मुझे ख़ास तौर पे ये डब्बे और ये बास्केट, ये मुझे बहुत पसंद आई। और ये चीज़ अक्सर फीमेल्स होती हैं वो ना खुद चल पड़ती हैं लेने। ये मेरी ना टूटी हुई नहीं थी, ये मोटरसाइकिल के साथ लगी ना तो टूट गई। ये देखें जी, ये देखें, मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन इसका, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। डब्बों में ये डब्बा, टोकरियों में ये टोकरियाँ, ये चंगेरे, ख़ास तौर पे इसका डिज़ाइन ये देखें, और है भी बहुत मज़बूत। बस सेल का नाम बदनाम है कि सेल है सेल है, लेकिन ये है कि बहुत फ़ायदार चीज़ होती है। आप लोग भी जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। हाँ, हल्की चीज़ भी होती है और साथ में अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि मिल अच्छी जाती है। हम लोग मालों पे भी तो जाते हैं, वहाँ भी इतने इतने पैसे दे के आ जाते हैं मुफ्त में, हालांकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं। ये देखें जी, ये मेरा टिड्डा जो है ना, ये मेरे साथ काम में पेश पेश है, हर चीज़ में अवेलेबल। ये देखें जी, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास किस चीज़ की क्या क्या प्राइसेस हैं और कैसे अवेलेबल होती हैं। आप लोग खुद जाते हो या आपको घर में अवेलेबल हो जाती हैं? खैर मैं तो नहीं जाती, अल्लाह का शुक्र है मुझे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं दुआ करती हूँ कि लम्मियाँ मेरी बहन बेटियों को भी ऐसे ही नसीब करें, आप लोगों को भी हर चीज़ अवेलेबल हो जाए घर में, आप लोगों को भी बाहर खज्जल ख्वार ना होना पड़े। आमीन सुम आमीन। ये देख, इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के पास फिर आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, मेरी ये क्रॉकरी का सामान आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद के लिए फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, गाँव में याद रखना।